गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग, मेरा नाम धीमंत कापड़िया। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग, मेरा नाम रश्मि कापड़िया। हम दोनों मुंबई से हैं। आज खास टॉपिक है हमारा हाउ टू बिल्ड इवेंट्स। ये एक चैलेंज है सभी कंसल्टेंट्स के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंस अगर समझ में आएगा कि इवेंट क्यों अटेंड करना है, कैसे बिल्ड करना है, उसके अराउंड सवाल कैसे होते हैं, लोग टिकट के लिए ना बोलते हैं तो क्या आंसर करना है, ये सारे ऑब्जेक्शंस डील हो जाएंगे तो बिजनेस बिल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। और इवेंट अटेंड कर करके आप अपना बिजनेस मैजिक की तरह ग्रो कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इवेंट्स बिल्ड हो, आप भी अटेंड करो, आपकी टीम में लोग जितने ज्यादा अटेंड करेंगे उतना ज्यादा उनका भी बिजनेस ग्रो होगा और आपका भी बिजनेस ग्रो होगा। इसीलिए आज हम ये टॉपिक को डील कर रहे हैं और हम शुरुआत करना चाहते हैं। हमारे कुछ लीडर्स हैं हमारे साथ जिनको ये सवाल आते हैं टीम बिल्ड करते समय, उनके टीम में लोगों को कुछ सवाल हैं, तो हम उनको पहले एड्रेस करेंगे और फिर हम आगे इसको कैसे डील करना है वो आपको बताएंगे। तो हमारे साथ टीम में है शलाखा और रेशमा, तो उनके सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सर, ऐसे सवाल आते हैं टीम में कि 25 तारीख को बहुत टाइम है तो अभी से हम कमिट नहीं कर सकते कि आएंगे कि नहीं, और बांद्रा जैसी जगह लंबी लगती है उनको, हम रहते कहाँ पे है और जाना बांद्रा तक, इसलिए वो कमिटेड भी नहीं है इवेंट के लिए। और मेरे टीम में ऐसे सवाल आता है कि अभी तो एक महीना है, तो एक महीने के बाद का हम लोग अभी नहीं बता सकते, अब चाहिए तो टिकट दे के रखो, लेकिन हम कमिट नहीं कर सकते कि हम आएंगे ऐसा करके। और दूसरी बात ये है कि हर इवेंट में जाना जरूरी है क्या? लास्ट इवेंट में हम आए थे, हमारे लोग भी आए थे, अभी हर इवेंट में आना क्यों जरूरी है? और हमारे हर इवेंट में ऐसा क्या नया मिलेगा जो हमें और आगे लेके जाएगा, या क्या फायदा होगा? ये सवाल बहुत आते हैं। ओके, और कोई सवाल? मैं जानता हूँ और सवाल आएंगे तो आप बाद में पूछ लेना। तो चलो, मैं इस टॉपिक को 5 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये जो इवेंट्स होती है बिग इवेंट्स, ये बिग इवेंट्स क्यों होती है, व्हाई हैव सक्सेस सेमिनार। दूसरा, आपको इन बिग इवेंट्स में प्रायोरिटी क्यों देनी है, वो समझ लेते हैं। तीसरा, आपको बार बार अटेंड क्यों करना है, ऐसा क्या है कि आपको वही जो आपने सवाल पूछा उसी का जवाब। तीसरा, आप अपने बिजनेस को ग्रो करो और साथ साथ में इवेंट बिल्टअप भी करो, ये दोनों काम एक साथ मर्ज कैसे किया जाए, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, वो कैसे करें। चौथा, एटीट्यूड्स क्या होनी चाहिए लोगों के साथ जब आप बात करें, है ना, और बाद में एक्शंस क्या करने हैं इवेंट बिल्टअप को लेकर। ठीक है, सो आर यू रेडी? चलिए, तो बहुत अच्छा है। इससे पहले कि हम किसी भी सवाल का जवाब दें, वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बिजनेस इवेंट्स के जरिए बिल्ड होता है। तो आइए मैं आपको पूरा चार्ट दिखाता हूं। चलिए, तो आइए देखते हैं इस बिजनेस के अलग अलग पहलू क्या है, स्टेजेस क्या है, आप किस स्टेजेस से गुजरते हो। तो सबसे पहले, जब आप कोई कॉल करता है, आप गेस्ट होते हो, आपको इनविटेशन मिलता है, आपका मेंटल स्टेट क्या होता है, क्या करे करे नहीं करे, जाए नहीं जाए, वो स्टेट होता है। जो दूसरा स्टेज है, जिसके अंदर आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन का स्टेज है। उस स्टेज के अंदर आपको एक प्रोडक्ट का नॉलेज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का नॉलेज ये दिया जाता है, और अभी भी आप गेस्ट हैं, आपने बिजनेस का डिसीजन शायद नहीं लिया है या अब आप ले रहे हैं। थर्ड स्टेज कौन सा आता है? थर्ड स्टेज में आप एडुकेशन स्टेज पे होते हो, लर्निंग स्टेज पे होते हो, सीखने की स्टेज पे होते हो। यहां पर आपको ट्रेनिंग मिलती है कि बिजनेस कैसे किया जाए, तो ओरिएंटेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है। इस स्टेज पे आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट थोड़ा बेटर होता है कि चलो कुछ करना है, ये स्टेज होता है। जो फोर्थ स्टेज है, जो आपको मिलता है मोटिवेशन, और वो आपको कहां मिलता है? इवेंट्स में, जिसके आज हम बात करने जा रहे हैं, बड़े प्रोग्राम्स में जहां पर 600 से 1000 लोग होते हैं, वहां पर क्या मिलता है आपको? आप उसमें मोटिवेटेड होते हो, आपको एम्पावरमेंट मिलती है, आपको बिलीफ आती है, आप डिसीजंस लेते हो कि इस बिजनेस में आपको बहुत कुछ करना है, और इस स्टेज में आप इमोशनली कैरीड हो जाते हो, वाओ ये मेरा है,
इस डिसीजन पे आते हो। और ये इमोशन आप ऐसा मत समझना कि जरूरी नहीं है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। कैसे इमोशंस होते हैं? जुनून होता है, पैशन होता है, कुछ कर दिखाने की चाहत होती है। तो ये इमोशंस होते हैं, ये अलग है इसके पहले के स्टेज से जहां पर आप रैशनल लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। जो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं उसे एक कदम आगे जाना, ऐसा नहीं है कि लॉजिक नहीं चाहिए। तो शुरुआत के स्टेजेस में आपने क्या देखा कि बाबा करो नहीं करो, क्या ये सही है कि नहीं, सारा स्टडी करने के बाद जब आप मैदान में उतरते हैं फिर स्टेज आता है बिलीफ का, ये भी एक इमोशन है। और जो फिफ्थ है जिसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन इवेंट, ज्यादातर ये आपके सिटी से बाहर होता है, 2 या 3 दिन का प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में तो जलवे ही अलग होते हैं, वहां पर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं। यहां पर हम वो छोटी मोटी बातें नहीं करते हैं। यहां पर सक्सेस सेमिनार में आपको देखने को मिलता है किसी की जिंदगी सवरी हुई है, सक्सेसफुल हो चुके हैं वो लोग। यहां पर आप देखते हैं कि आप खुद वहां पर हो, सक्सेसफुल हो। जब सक्सेस सेमिनार में आते हो तो आप देखते हो कि आपको सक्सेसफुल कैसे बनना है वो सीखने के लिए जाते हो, आपको तैयार होना है उस सक्सेस के लिए, उसके लिए जाते हो। और जब आप डेस्टिनेशन इवेंट में जाते हो तो मान लो आपने सोच लिया है कि इसी बिजनेस से सक्सेसफुल होना है, और डेस्टिनेशन इवेंट जो 3 दिन का होता है उसमें आप पूरे बिजनेस की बहुत डीप गहराई से आप उसके अंदर सफर करते हो, आप उससे गुजरते हो, आपको इतनी गहराई से डिसीजंस होते हैं। यहां पर होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस को एक्सेप्ट कर लेता है, बाबा हम तो सक्सेसफुल हैं, अब बताओ आगे क्या करना है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट डेस्टिनेशन इवेंट हमारे सामने है, शायद काफी समय बाद मोदी केयर का ये तूफान जयपुर में होने जा रहा है 5th, 6th and 7th January में, और हमारी लीडरशिप डॉक्टर सुरेखा भार्गव इसको क्रिएट कर रही है, और वो 3 दिन में हम दुनिया को दिखा देंगे कि आज मोदी केयर क्या है। केमिसी में जोश, ये होता है डेस्टिनेशन इवेंट में। सो ये स्टेजेस होते हैं। खास पॉइंट ये नोट करना है आपको कि पहले जो 2 स्टेजेस हैं उसमें आपका माइंड ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें आप क्या करते हैं लॉजिकल थिंकिंग, करो नहीं करो वो होता है, और जो बाकी के जो 2 स्टेजेस है उसमें इमोशंस ज्यादा रोल प्ले करते हैं, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा रोल प्ले करता है, यहां पर आपका कॉन्शियस माइंड ज्यादा रोल प्ले करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड को जितनी बार फीड किया जाता है उतनी बार वो चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यदि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा समय तक कई बार 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 4th और 5th stage से गुजरना है। सक्सेस सेमिनार जितनी बार आप अटेंड करेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा यस आई कैन डू इट, यस लेट्स डू इट, यस आई विल डू इट, वो स्टेज आता है सक्सेस सेमिनार में। एक बार से नहीं होता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड बार बार बीच में बोलता है लेकिन क्या ये सही हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। सबकॉन्शियस माइंड आपके फेवर में है लेकिन उसको आपको रेडी करना है जो यहां पे हो सकता है। गॉट इट? तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या करना। तो आपने देखा कि एक नई दुनिया पैदा होती है जब आप लोगों को बिग इवेंट में लेकर आते हैं। चलिए देखते हैं, तो सक्सेस सेमिनार्स या बिग इवेंट्स जिसके अंदर करीब 600 से 1000 लोग हो सकते हैं वो क्यों होने चाहिए हमारे बिजनेस में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले जिस तरह से आप प्रोडक्ट डेमो करते हो तो लोगों को बिलीफ आती है, एग्जैक्टली उसी तरह से जब लोग सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं तो उनको इस बिजनेस पे बिलीव आती है। तो इन बिग इवेंट्स में हम लाइव दिखाते हैं कि व्हाट आर सक्सेस स्टोरीज, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, इसे क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट पे बिलीव आ जाती है उसी तरह से बिजनेस पे भी बिलीव आती है, और बिजनेस पे बिलीव आती है तो क्या होता है, लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं कि हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने की वजह से वे लोग एक्शंस में उतरते या सक्सेस की ओर जाते। तो
तो बिलीव बिल करने में बहुत काम में आता है। एक और पॉइंट, बार बार क्यों? वो इसीलिए कि आपने एक बार इवेंट अटेंड किया तो आपको बिलीफ आई, आपका कॉन्फिडेंस आया, आपका डिसीजन है। उसके बाद आप फील्ड में काम करते हैं, फिर दोबारा जब आप मीटिंग अटेंड करते हैं तो आपका बिलीफ लेवल रेज होता है, और ये काम रिपीटेडली करने की वजह से आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होते जाता है या बड़ा होते जाता है, और आपके एक्शंस उस तरह से बिल्ड होते चले जाते हैं। इसीलिए इवेंट को बार बार अटेंड करना है। Yes. और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक इवेंट से दूसरी इवेंट हमेशा अलग होती है। सेम टॉपिक होने के बावजूद जो बोलने वाला स्पीकर है वो अगर कोई दूसरा पर्सन रहेंगे तो वो अपने पॉइंट्स, अपना माइंडसेट, अपने एटीट्यूड दिखाएंगे। तो इस बिजनेस में हम बहुत कुछ हर इवेंट में सीखते हैं। वही के वही स्पीकर को भी बार बार अटेंड करने से भी हमको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलता है, एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहता है हर बार। इसीलिए वो कि वो इवेंट होती ही नहीं है कभी भी, हमेशा ये एडुकेट करना जरूरी है हमारी टीम में। जैसे वो सवाल पूछते कि वो हम बार बार क्यों अटेंड करें, उसका आंसर यही है कि हर इवेंट अलग होती है। हर इवेंट का जो स्पीकर होता है भले वो अपनी सक्सेस स्टोरी ही बता रहा है, लेकिन उन्होंने किस सिचुएशन से वो गुजरे वो अलग अलग होता है। हो सकता है कि किसी को एक सिचुएशन टच कर जाए, या हो सकता है कि दूसरी सिचुएशन में आप कनेक्ट कर लो अपने आप को। ये होता है कि इसलिए बार बार अटेंड करना। एक और चीज होती है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप टीवी पे भी मूवीज देख सकते हो, फिर थिएटर में क्यों जाते हो? क्योंकि 3 घंटा आप पूरा इमर्शन के साथ उसको देखते हो और नए लेवल पे एंजॉय करते हो, है ना। इसलिए हम पैसा खर्च करके थिएटर में जाते हैं वो एक्सपीरियंस पाने के लिए। इसी तरह से इवेंट में क्या होता है, आपने देखा तालियां होती है, बहुत सारे लोग सहमत होते हैं, सीटियां बजती है, लोग डांस करते हैं, लोग एक्साइट हो जाते हैं, और उसमें नेगेटिविटी बर्न हो जाती है। जब हम 4 लोग बैठे हैं ना अभी आप जैसे देख रहे हो, तो हम वार्तालाप करते हैं, हम ऐसे उठ उठ के एक्साइट होकर बात नहीं कर सकते क्योंकि लोग कम हैं। पर बड़ी इवेंट में लेवल ऑफ एक्साइटमेंट रेज हो जाता है। और एक बात ये बताना चाहूंगी मैं, जब हम मूवी जैसे मूवी देखते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है और हमें वो याद रह जाती है जिंदगी भर के लिए वो स्टोरी। लेकिन कोई हमें वो कहानी बताया हुआ होता है तो हम वो एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं आता है, वो खाली सुनते हैं और चलो हाँ अच्छा ठीक है मूवी अच्छा है करके हम छोड़ देते हैं। इसीलिए जरूरी है जब हम खुद इवेंट अटेंड करते हैं तो वो हमारे लिए परमानेंटली एक नया बिलीफ लाता है, एक नया एक्सपीरियंस देता है कि इस बिजनेस में मैं कुछ कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए इवेंट अटेंड करें तो जो रिजल्ट आता है और जो सुनेंगे उसके बारे में, दोनों में बहुत फर्क है। एक और चीज होती है, ज्यादातर बाहर से स्पीकर आते हैं और हम क्या करते हैं, हमारे वही वही लीडर्स बोलते हैं, भले कितने भी सक्सेसफुल होने दो, हमें जब कोई नया बंदा कुछ कह रहा है तो हमारे कान ज्यादा खुले होते हैं उसको सुनने के लिए, उसकी असर अलग होती है, सुनना ज्यादा होता है। और एक मेजर चीज होती है जो किसी छोटी इवेंट में नहीं होता है ना, 30-40 पीपल की इवेंट में वो नहीं होता है, जो होता है जब 1000 लोग होते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है एसोसिएशन का। ओ यस, दिस इज द बिजनेस, ये है मोदी गैर, एक संगठन का, एक गैदरिंग का, जिसमें सोशल एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि वही आपके गेस्ट या आपके डाउनलाइन जब फील्ड में काम करते हैं तो अकेले होते हैं, और हो सकता है कि सामने पूरा परिवार है या और लोग हैं जो उनको नेगेटिव करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या हम अकेले हैं जो इसकी बात पॉजिटिवली करते हैं, बाकी के सब नेगेटिव करते हैं। लेकिन किसी इवेंट में क्या होता है, सब लोग पॉजिटिव बात करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ 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 हम तो उन्हीं में सब में से है ना, तो हम सबका हिस्सा बन जाते हैं, हमारा खुद का एक्सेप्टेंस अच्छा होता है, सोशल प्रूफ है इसको कहते हैं कि हाँ यार ये होता है, लोग करते हैं, लाइक माइंडेड लोग बहुत ज्यादा है वहां पर, जिसकी वजह से ये सबकॉन्शियस माइंड उसको बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। एक और चीज होती है, ऐसा देखने को हमको देख सके स्टेज के ऊपर कि हम जैसे लोग, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई मेरे से यंग है, कोई बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, ये सभी लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये बिलीफ होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सक्सेस अचीव करते हैं डायरेक्टर्स जैसे कि, वो स्टेज पर जब खड़े होते हैं तो पूरा स्टेज भर जाता है। अब ये एक्सपीरियंस ना देखने से याद रहता है, आपने वो कहानी किसी को बताई उसे सुनेंगे, लेकिन जब वो अपनी नजरों से होता हुआ देखेंगे तो एक अलग फील आती है। एक और चीज होती है,
जब वो देखते हैं इतनी सफलता, तो उनको क्या नजर आता है कि यहां से वहां बस थोड़े से ही तो कदम है, हम भी वहां पहुंच सकते हैं। ये महसूस कर सकते हैं कि ये रियलिटी में हो रहा है। हम कह रहे हैं कि बिजनेस हो रहा है, इसका सबूत कहां है? लोगों को वो फील होता है बड़ी इवेंट, वो महसूस करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, कल्पना कीजिए हम दोनों नेबरहुड के हैं, हम दोनों कंसल्टेंट्स हैं, अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किए हैं, मैं एक लेवल पे अचीव किया हूँ, इन्होंने मेरे से एक लेवल ज्यादा अचीव किया, तो मुझे मन करता है कि नेक्स्ट बार जब स्टेज पे जाएंगे ना, तो मैं कम से कम इनके लेवल पे रहूं। तो एक प्रकार का पीयर प्रेशर आता है कि मुझे भी लेवल जंप करना है, और मोटिवेशन मिलता है, चलो चलो कमऑन कमऑन, मुझे भी ये हार पहनना है, मुझे भी अचीव करना है। वो डिसीजन मेकिंग इवेंट में होता है, और वो डिसीजन मेकिंग कभी भी हो सकता है किसी भी इवेंट में, मतलब पता नहीं इस इवेंट में होगा या नेक्स्ट इवेंट में होगा, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। तो क्या सबको रिकॉग्निशन नहीं चाहिए? चाहिए, है ना? तो वो रिकॉग्निशन होता हुआ देखेंगे, तब सबकॉन्शियस माइंड में वो डिसाइड कर लेंगे कि हमको भी चाहिए। बिलीफ आती है कि हाँ यार मेरे से भी होता है, मैं भी करूंगा, देखो देखो इतने सारे लोगों ने किया तो मैं क्यों ना करूं, ये एक्सपीरियंस आता है। कई बार लोग डाउट करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनको इतने सारे लोग नजर नहीं आते जिन्होंने सक्सेस हासिल की। तो बड़ी इवेंट में डाउट बस होते हैं, नेगेटिविटी खत्म होती है। आप कितना भी कोशिश कर लो, लोगों के माइंड में डाउट आता है कि इतना बड़ा, क्योंकि हम बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी और वो अचीव भी करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो नजर नहीं आते। वो रियलिटी कहाँ होती है? इवेंट में होती है। वो जो डाउट होता है वो डाउट निकल जाता है, और जो पॉजिटिव जो वाइब्रेशन होते हैं वो वहां पर मिलते हैं। ये बहुत यूजफुल चीज है। एक और चीज होती है, क्योंकि तीन घंटे हैं, बहुत सारे बिजनेस के पहलू एक साथ नजर में आते हैं, जिसके असर अलग होती है। जैसे कि 56 भोग है, सब कुछ एक साथ रखा गया, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है, ये महसूस होता है। जो हम कितनी भी कोशिश कर रहे, होम मीटिंग में इतनी आसानी से इतना सारा कुछ कवर नहीं कर पाते, है कि नहीं? प्लस कुछ क्लिपिंग्स दिखाते हैं, कई लोग फॉरेन क्वालिफाई होते हैं फॉरेन ट्रिप्स के लिए, या फॉरेन ट्रिप जाने वाले होते हैं, वो स्टेज पर आकर बोलते हैं हाँ हमने पटाया के लिए देखो इतने इतने लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है, वो स्टेज पर देखने की वजह से लोगों को लगता है कि चलो हम भी करें। और एक इम्पोर्टेंट बात है, जब कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं फील्ड में, कुछ रिजल्ट्स आते हैं कुछ रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जब भी कोई इवेंट अटेंड करें, आप वो सवाल को अगर इवेंट में आते समय लेकर आएंगे तो सवाल के आंसर मिल जाएंगे। यानी मैं जिधर ग्रोथ करना चाहती हूँ एज अ कंसल्टेंट, और मुझे उसका आंसर नहीं मालूम होता है, लेकिन उस सवाल के साथ में जब इवेंट में बैठती हूँ तो मैजिक होता है कि जितने भी सवाल है मेरे, कि मैं कैसे क्वालिफाई करूं, मैं कैसे मेरा टीम बढ़ाऊं, मैं कैसे मेरे टीम को ट्रेन करूं या इवेंट बिल्डअप ज्यादा करूं, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ये सारे सवाल के आंसर्स मिलते हैं। शायद डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन डेफिनेटली उन सवाल के जवाब मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, क्योंकि आपको वो क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे ये सीखना है। लर्निंग एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छा होता है, एक बार में बहुत सारे सवाल का आंसर मिल जाता है, तो लर्निंग बहुत क्विक होता है यहाँ पे। मैं तो कहूंगा कि इवेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस बिजनेस में हम बहुत कुछ करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट डेमो करते हैं, रिटेलिंग करते हैं, एग्जीबिशन रखते हैं, काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं, फिर लोगों को बिजनेस शो करते हैं, लोगों को साइन अप करते हैं, फिर उनको लॉयल्टी करवाते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज हैं। और एक एक्टिविटी है इवेंट बिल्डअप। मैं कहता हूं कि इवेंट प्रमोशन, इवेंट बिल्डअप की प्रायोरिटी नंबर वन होनी चाहिए। अगर आप इस बिजनेस से बहुत बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हो तो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। कई बार लोग बिजनेस में आते तो हैं लेकिन बड़ा नहीं सोचते, है ना? क्या बड़ा सोचते हो? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, समथिंग लाइक 5 लाख 10 लाख पर मंथ की इनकम आती है। एक्साइटेड? यस। अब ये तब मुमकिन है जब आपका बिजनेस में लोग ऑटोमेटिकली बिजनेस करें, इंडिपेंडेंटली बिजनेस करें। आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे ले जाओ, कि आप हो ना हो, हो सकता है कि आप घूमने चले जाओ, चले जाओ स्विट्जरलैंड, पूरी जिंदगी चले जाओ, हमेशा के लिए आप किसी कंट्री में सेटल हो जाओ, फिर भी ये बिजनेस कैसे बढ़ेगा जब इंडिपेंडेंट लोग होंगे? और इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग इवेंट में आ जाएं, और वो फिर आते रहेंगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ऑटोमोटिव होगा। अब समझ में आया कि प्रायोरिटी नंबर वन क्यों रखनी है?
एक और ये साइंटिस्ट है क्या, देखो वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इसका स्टडी किया हुआ है और उन्होंने मेजर किया है कि आपके कितने लोग इवेंट में है उस हिसाब से आपकी इनकम होती है। अगर इतने लोग इवेंट में है तो आपकी इनकम इतनी होती है, अगर इतने लोग इवेंट में होते हैं तो आपकी इनकम उतनी बड़ी होती है। जितने ज्यादा लोग इवेंट में बैठते हैं उसे हमको पता चलता है कि आपकी इनकम कितनी ज्यादा होने वाली है, ये साइंटिफिक। जब भी लोग इवेंट ज्यादा अटेंड करते हैं लीडरशिप डेवलप बहुत ज्यादा होती है। लीडरशिप उनकी क्वालिटी जो हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंटली बोले, इंडिपेंडेंटली टॉपिक्स लीड करें, एनसीओस लेना शुरू करें, उसके बाद टीम में ट्रेनिंग देना शुरू करें, सक्सेस सेमिनार्स ले, वो क्वालिटी लीडरशिप की जो डेवलप करनी है हमारे बिजनेस के लिए। आपने कहा आपको 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, तो सिर्फ आप नहीं आपके नीचे बहुत सारे लोगों की लीडरशिप डेवलप हुई होनी चाहिए और वो होती है इवेंट की वजह से, क्योंकि हम लीडरशिप दिखा नहीं सकते लेकिन डेमोंस्ट्रेट और एक्सपीरियंस करवा सकते हैं कि दूसरे लोग आम इंसान से किस तरीके से अपनी लीडरशिप डेवलप की है, वो शेयर होता है इवेंट में, उसकी वजह से उसको वो जानकारी मिलती है और वो डेवलप होता है। तो कॉपी बोलते हम इस बिजनेस में बहुत सारा कॉपी करते हैं, तो ये लीडरशिप क्वालिटी कॉपी करते हैं, इसकी वजह से बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। आपने देखा होगा कि जो भी लीडर स्टेज पर बोलते हैं उनमें कॉन्फिडेंस कितना होता है, कितनी क्लैरिटी होती है, बहुत कॉन्फिडेंस, डिमांड कर सकते हैं, वो कमांड करते हैं स्टेज के ऊपर और वो उस बिजनेस की उस तरीके से बात करते हैं, है कि नहीं। तो आपको भी वैसा बनना है तो रातों रात तो नहीं होगा, वो तो होगा जैसे जैसे आप उनको सुनते जाओ देखते जाओ। तो होता यह है कि एक इवेंट और दूसरी इवेंट के बीच में, बिटवीन वन इवेंट एंड नेक्स्ट इवेंट, आप डिसाइड करते हो कि अच्छा अच्छा मुझे अभी ये स्केल की कॉपी करनी है, फिर नेक्स्ट इवेंट आती है, तब तक आपको नजर आता है जैसे ही आपकी लेवल है वैसे आप देखोगे कि मुझे ये स्किल बिल्ड करनी है। तो इवेंट में मोटिवेशन होता है और एडुकेशन होता है बिटवीन टू इवेंट्स, आपका पूरा डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर आपने वो व्यू देख लिया है कि मुझे इनके जैसा बनना है, सोचा था आपने पिछली बार बोला था मुझे कि मुझे ये लीडर की तरह बनना है, बनने को मन करता है, ऐसे लीडर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे इवेंट में। आप हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना बड़े सक्सेसफुल जो लीडर है वो आपके घर पे या छोटी छोटी इवेंट में आएंगे, वो तो वहीं पे देखने को मिलेंगे। तो वहां पर जब लीडर आते हैं तो आप उनको देखो और आपको मन करता है इनकी नकल करना, इनकी कॉपी करना, राइट। एक और चीज जो स्किल्स बिल्ड करनी है वो स्किल्स बिना देखे बहुत मुश्किल है। डिसीजन लेना कि मुझे अपना प्रेजेंटर बनना है, मुझे अपना लीडर बनना है, वो देखते हैं ना तब इंस्पिरेशन आता है कि मुझे भी ये करना, ये होता है इवेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो और इवेंट को भी ग्रो करते हो एक्स्ट्रा समय ना देते हो। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि ज्यादातर हमारा समय इस महीने के लेवल जंप पे होता है, हमें तो वॉल्यूम चाहिए। इस बात पे आप भरोसा रखिए कि हम आपके अपलाइन हैं, हम कभी भी आपको ये मिसगाइड नहीं करेंगे या आपका समय कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि इवेंट में जब आप जाते हो तो करीब आधा दिन चला जाता है और उस दरमियान आपका एक्चुअल बिजनेस नहीं होता। कई बार लोग वापस आके कहते हैं मेरा तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं, इवेंट में जाके घर वाले भी बोलते होंगे कि क्या जाकर आए, चेक मिला, पैसा मिला। चलो उसका जवाब दे देते कि इवेंट हम अपलाइन होकर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका समय वेस्ट हो, फिर भी हम प्रमोट करते हैं कि आप इवेंट में जाओ। क्यों? क्योंकि हमें इस बिजनेस की जो गहराई है उसकी समझ है, हमें पता है कि क्या करके आपका बिजनेस ग्रो होगा और वो ग्रोथ होती है सिर्फ इवेंट्स के जरिए। चलिए आपके और भी क्वेश्चंस है हमें पता है, उसके आंसर हम अभी आगे चलते हुए देते चले जाएंगे। पर ये जो पॉइंट था कि आपको कैसे इवेंट को बिल करना है, कैसे बिजनेस ग्रोथ के साथ इवेंट ग्रोथ भी करना है, तो पहचानिए कि लोग जो शुरुआत में इवेंट की बात करते हैं तो अनाउंस करके छोड़ देते, फर्स्ट लेवल बेसिक लेवल हम इंफॉर्मेशन देते थे, देखो देखो ये इवेंट है आपको आना है, और जवाब में मिलता है कि हम नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि हम और क्या कर सकते, ये अनाउंसर का रोल। दूसरा होता है कि या तो आप प्रेशराइज करो या फिर आप बार बार वही रिपीट करो, और तीसरा होता है एक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कैसा होता है, इसको कहते हैं प्रमोटर, और
जैसे जैसे समय जाएगा आप मास्टर प्रमोटर बनते हो, आपका इवेंट बिल्टअप का स्किल बढ़ते चले जाएगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो। स्टेप्स क्या है, माइंड में आप इसको प्रायोरिटी जरूर रखें। और प्रमोटर क्या करते हैं, आप किसी भी चीज को प्रमोट कैसे करते हो, कोई भी हैबिट आपको घर में बच्चों को हैबिट डाल, छोटी सी बात है, बच्चा स्कूल से आता है और अपना बैग छोड़ के चला जाता है और हमेशा करता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, रिपीट, नहीं इसको ठिकाने रखो, रिपीट रिपीट। और एक वक्त आएगा या तो बैग रखना ठिकाने पे या दूध पीने की बात है, आप जो हैबिट कल्टिवेट करवाना चाहते हो उसके बारे में आप कभी एक बार में छोड़ देते हो, आप उसको रिपीट करते हैं, है ना। तो प्रमोट करना का मतलब है कि आप उसके बारे में लगातार बात करें, लगातार बार बार लगातार, लेकिन सिर्फ बात करने से नहीं होगा। नंबर वन, आपको सक्सेस स्टोरीज याद करके शेयर करनी। ऐसी क्या खास बात है हर स्पीकर की स्टोरी की, कुछ तो मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट इवेंट में हमारे पूना के जीबीडी अश्विनी और सुबोध ब्रांच वो आने वाले, अब आपको पता है उनकी खास बात क्या है, उन्होंने एक महीने में 3 लेवल जंप्स किए थे और वो हम और आप जैसे सिंपल लोग हैं, और उन्होंने 4 तो फास्ट स्टार्ट कराए, तो आपको भी मन करता है अरे ये कैसा करे, मोटिवेशन हुआ था। ये स्टोरी शेयर करो, ये लोगों को बताओ, ये ऐसे कपल हैं जो काफी समय से बिजनेस कर रहे थे लेकिन जो चाहिए थे वो हो नहीं रहा था, कैसे करके उन्होंने एक साथ इतना किया, ये स्टोरी वो बताएंगे आप, उन्होंने ये बड़ा जंप किया, ये उनकी स्टोरी शेयर करना जरूरी। फिर पूरे ग्रुप को कुछ रिपीटेशन से इंफॉर्मेशन तो सही मिलनी है। सबसे पहले मैं समझ सकता हूं कि जब आप पहली बार लोगों से कहोगे कि इवेंट, तो पहला रिस्पॉन्स तो आपने जैसा बोला वैसे ही आने ही वाला है, लेकिन आप वही चीज रिपीट करेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस आप बढ़ा दें। और कभी भी लोगों के रीजंस को आप एक्सेप्ट मत करो। आप कहते हो कि लोग एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, नहीं नहीं मेरे घर में बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड जॉब से नहीं आता है, बहुत लेट हो जाता है, बहुत दूर है, जिसको हम एक्सक्यूज कहते हैं। मैं कहता हूं उसको एक्सक्यूज मत बोलो, ये उनके रीजन हैं, जो आप सुनो जो सही है वो सही है, लेकिन वो इतने भी सही नहीं है कि उसको ब्रेक ना किया जाए। वो बैंड्रा का डिस्टेंस की जो आप बात कर रहे हो, वो डिस्टेंस इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो उधर ना जा सके, फिर क्यों ऐसा कहते हो, वो इसीलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वो रेजिस्ट करते हर चीज जो पहली बार आप करने जा रहे हो, वो रेजिस्ट करते जब तक उनको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। तो आपका काम क्या है, मैं समझ सकती हूँ इस तरह से स्टार्ट करो। मुझे भी ऐसे ही फील होता था जब मैंने पहली बार, मेरे अपलाइन ने मुझे कहा था इवेंट अटेंड करो, इसको कहते फील फेल्ट फाउंड, आपको बताइए, तो उनसे आप सहमत हो जाओ कि आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, ये मुझे पता चल रहा है कि एक महीने के बाद के प्रोग्राम का हम अभी कमिट नहीं कर सकते, ये मुझे मालूम है। मुझे भी ऐसा ही होता था जब मैंने शुरुआत में किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उस इवेंट में क्या होता है। जब मैंने 2 इवेंट अटेंड करी, तो अब तो इवेंट अटेंड करे के बगैर मुझे मन ही नहीं करता है बिजनेस करने, या मुझे इवेंट अटेंड ना किया तो मुझे बेचैनी होती, कैसे हो सकता है कि मैं इवेंट अटेंड ना करूं, ऐसा महसूस होता है। और बहुत सारी चीजें एडजस्ट होती है, क्यों एडजस्ट होती है, आप उनको बताओ कि आपने जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो आपने भी सोचा था, आपने नहीं मुझे कहा था कि मुझे भी एक फॉरेन ट्रिप चाहिए। अब फॉरेन ट्रिप चाहिए तो बहुत सारे लोग आपकी टीम में होना जरूरी है, यानी आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, इसीलिए आपको इवेंट अटेंड करना है। तो ये तो करना होगा, घर बैठ के ये बिजनेस होगा नहीं। तो इसका तरीका ये है कि उनके एक्सक्यूजेस को एक्सक्यूजेस ना कहे, उनको रीजंस कहे, और अपने माइंड में बहुत क्लियर रहे कि वो सही है लेकिन वो रीजन काफी नहीं है न आने के लिए, ये आपको भी पता है। तो आपको उससे बड़ा रीजन देना है क्यों वो इवेंट अटेंड करे, जिसके लिए रिपीटेड स्टोरीज देना जरूरी। इट इज अ मैटर ऑफ स्किल्स जो आप बिल्ड कर सकते हो, और जब आप वो उनसे वो उनके रीजन सुन लेंगे, फिर आप वो स्किल्स डेवलप करेंगे कि आपको कैसे बोलना है। जब भी ऑनलाइन से ऐसा बोलते हैं कि हम इतना दूर है नहीं आ सकते वगैरह, ऑफलाइन के तौर पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझे माइंड में क्लियर है कि नहीं कंसल्टेंट्स को ये हैबिट डलवानी है,
तो मेरे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उनको बार बार बोलने में। जैसे बच्चे को हम ट्रेन करते हैं उसी तरीके से हम अगर हमारे माइंड से पहले एज एन अपलाइन हमको प्रिपेयर कर लेना है कि यस इवेंट्स आर इम्पोर्टेंट। हम भी वो क्यों हमारा स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है जब डाउनलाइन ऐसे बहाने देती है, क्योंकि हम यहाँ खड़े नहीं है या ये नहीं सोचते हैं कि उनका फायदा होगा, उनके लिए वैल्यू मिलेगी या वो अपना चेक या बिजनेस बढ़ा पाएंगे जब वो अटेंड करेंगे। तो यही बात अगर बच्चा बोलता है मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स खुद कभी स्कूल में नहीं गए हैं, इम्पोर्टेंस नहीं पता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंस पता है कि बच्चे का करियर बनने वाला है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में डाउनलाइन का करियर कैसे बनेगा जब वो इवेंट नहीं अटेंड करेंगे? तो इसीलिए एज एन अपलाइन मेरा रोल है कि नहीं, उनका करियर मुझे बनाना है तो मुझे उनके साथ फर्म होना जरूरी है। डरना हमें नहीं है, उनको डरना है कि वो कैसे बोले कि वो नहीं आ सकते इवेंट में, डरना उनको है। ये बात हमारे माइंड में अगर हम स्ट्रांग बना लेंगे तो हम इवेंट टू इवेंट उनका ग्रोथ देखेंगे। वो ग्रोथ हमने हमारे माइंड में अगर पहले से देख ली है कि ये पर्सन लगातार 8-10 इवेंट्स अटेंड करेगा तब तक उसको बहुत बड़ा चेक मिल जाएगा, हमें बहुत पावर और स्ट्रेंथ मिल जाएगा उसको डिमांड करने के लिए। बच्चे तो बोलते ना नहीं चलना है करके रास्ते में भी बैठ जाएंगे, ये नेचुरल है। तो नेटवर्किंग में भी डाउनलाइन इस तरह से बोलेंगे, वो बात तो सब फेस करते हैं फील्ड में। बट एज एन अपलाइन आपका रोल है कि उसका करियर ग्रोथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इवेंट अटेंड करे। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एज एन अपलाइन। और एक बात, शुरू करो इंडक्शन से, चेक कीजिए कि आपका इंडक्शन सही है। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने बिजनेस में किसी को रजिस्टर किया हो प्रोडक्ट्स को लेकर कि प्रोडक्ट्स अच्छे आप यूज करो और फिर उनसे कहोगे कि इवेंट में आओ, या अगर आपने किसी को ये कहा है कोई बात नहीं आप घर बैठ के बिजनेस कर सकते हो और फिर अगर आप उनको कहते हो कि मीटिंग अटेंड करो तो क्या होगा? उनको बहुत तकलीफ होगी, उनको याद नहीं होगा, लेकिन उनका माइंडसेट बन चुका है कि हमें कुछ ज्यादा नहीं करना। क्या ये सच है कि बड़ा कुछ अचीव करना हो और कुछ ना करने से हो जाएगा? नहीं, ये भी एक बिजनेस है। तो इंडक्शन बहुत जरूरी है कि आपने जब किसी को रजिस्टर किया, हो सकता है कि उनको प्रोडक्ट पसंद है वो रजिस्टर कर लिए, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मे बी उनको एनसीओ में उनके एजुकेशन के जरिए आप उनको इस पॉइंट पे तो ले आइए कि यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। इंडक्शन तो सही हो कि भाई ये बिजनेस है और आप बड़ा कमा सकते। कई बार उनके पास वो बिलीफ नहीं होती है या वो एटीट्यूड उनके खुद के माइंड में ये डिसीजन नहीं होता है कि उनको कुछ बड़ा अचीव करना है, वही मिसिंग है। फिर वो इवेंट में नहीं आएंगे तो चलेगा, नहीं आएंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इवेंट में आके कोई बड़ा सक्सेस हासिल करना हो तो ही वो आएंगे, तो इट्स फाइन अगर वो नहीं आते। लेकिन आपका काम बनेगा उनको रेडी करना, उनका इंडक्शन करना, उनको बताना कि देखो ये बिजनेस है और इस बिजनेस में ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं, क्या आपके कुछ सपने हैं, क्या आपको बड़ी इनकम चाहिए, वो तो करो पहले। अक्सर मैंने देखा है लोग वो भी नहीं करते और ऊपर से एक और चीज करते हैं, एटीट्यूड ये होती है कि मुझे मेरी सक्सेस चाहिए। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो एक चीज बहुत जरूरी है कि आपके लोग सक्सेसफुल बने। तो आपकी एटीट्यूड जब तक इस तरह से बनेगी ना कि आपको सक्सेस चाहिए तो आपकी सक्सेस मुश्किल है, लेकिन जब आपकी एटीट्यूड ये होगी कि हमें उनकी सक्सेस देखनी है, उनके बारे में सोचना है, वो एक बहुत जरूरी एटीट्यूड है। मेरे ख्याल से वो पहली एटीट्यूड है इस बिजनेस की। एक जैसे आप अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हो, भले वो रो रहा है, उनको स्कूल में नहीं जाना या दूध नहीं पीना, लेकिन आपकी एटीट्यूड क्या होती है उसकी भलाई। तो वो एटीट्यूड जब आप बिजनेस में लेकर आते हैं फिर आप उनसे हर कोई चीज जो आप चाहते हो वो कर भी ले, अगर आप उनको ढंग से एडुकेशन देते हैं तो। एक और बात मैडम, एक चीज बताइए मुझे, आपके किसी दोस्त के बहन के ससुराल में शादी है और वो भी थोड़ा दूर है तो आप सोचेंगे जाएं कि नहीं, लेकिन आपके सगे भाई की शादी होगी तो आपकी एटीट्यूड क्या होगी उस इवेंट को लेकर? ओनरशिप की होगी, मेरी है ये शादी प्रसंग, जो है ये जो इवेंट है वो मेरा है, ओनरशिप होती है। और उसको लेकर आप कोई भी चीज बीच में नहीं आने देंगे। कितने समय का प्लानिंग होता है एक शादी को लेकर? 3 महीना या ज्यादा? उस वक्त अगर आपके हस्बैंड बोले कि मत जाओ तो आप क्या बोलोगे? नहीं, हमारे यहाँ शादी, घर की शादी है,
इसको कहते हैं ओनरशिप। मुझे एक चीज बताइए, जब मोदी के की एक इवेंट हो रही है तो उसमें आपका एटीट्यूड कैसा होता है? मेरी इवेंट है ऐसा होता है? आपका तो होता है मुझे पता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का नहीं भी होता। उनको लगता है कि उनकी इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, हमारे पास चॉइस है हम जाएं कि नहीं जाएं। यस, आपके पड़ोसी के बहन के ससुराल में किसी की शादी है तो आप सोच सकते हो कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना, लेकिन जब खुद की इवेंट है तो ये एक एटीट्यूड है। आप बिलोंग करते हो क्या उस इवेंट को लेकर? आपकी मालिकी है क्या कि ये मेरी इवेंट? क्या आपको महसूस हो रहा है कि मेरी इवेंट है? और अगर आपको महसूस हो रहा है तो आपके एक्शन बहुत चेंज हो जाएंगे। आप अपने अपलाइन को फोन करके पूछोगे मुझे कुछ करना है क्या, इस इवेंट की क्वालिटी हम कैसे अच्छी करें, 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे उसके मैनेजमेंट के लिए, जो भी जरूरी होगा वो सब आप करेंगे, है कि नहीं? तो एक एटीट्यूड है कि मेरी ओनरशिप है। दूसरा, अगर वो है, आपकी ओनरशिप है, तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। जैसे आपके घर में शादी हो, आपके भाई की शादी हो, तो आपकी प्रायोरिटी पूरी की पूरी उस इवेंट की तरफ जाएगी। आप जो कुछ भी करोगे उसको मद्देनजर रखते हुए करोगे, और कोई प्रोजेक्ट हाथ में लोगे नहीं, नहीं अभी घर का रिपेयरिंग नहीं, अभी सिर्फ ये, इस तरह से करोगे। इसको कहते हैं प्रायोरिटी। ना आप कोई होम मीटिंग रखोगे, ना आप आउट स्टेशन जाओगे, आप अपनी सारी टीम को इकट्ठा करोगे, हो सकता है तो आप बस अरेंज करोगे, जो भी जरूरी होगा एक जगह पे इकट्ठा करके लेके जाओगे, जो भी होगा वो करोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रायोरिटी दी। तो अगर आपकी ओनरशिप है तो आप क्या करोगे? आप अपनी टीम में कितने लोगों को ले जाना है, बिल्ड करना है। मान लो आपने डिसाइड किया 50 लोगों का आपको बिल्ड करना है। ओनरशिप है तो आप कहोगे हाँ हाँ मेरे 50 लोग आएंगे। ओनरशिप नहीं है तो आप सोचोगे मैंने तो बोल रखा है जिसको आना होगा वो आएंगे। ये जादू होगा जब आप इवेंट को ओन अप कर, मेरा इवेंट, वरना जिसको आना है आएगा, हमने तो बोल रखा है, टिकट दी थी, बताया था, वो नहीं आए हम क्या करें? खुद के घर में जब शादी होगी तो क्या आप ऐसा करते हो? आपको कैसे बोलते हो? आप खुद इन्विटेशन देते हो घर जाके इन्विटेशन देते हो, और उसके बाद उनको कहते हो आपको आना ही आना है। आप यू विल एंश्योर कि लोग आते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ इन्विटेशन कैसी होगी? और गेस्ट को भी पहले से बता दोगे और मेक श्योर करोगे कि वो आए, क्योंकि आपने उनको अगर लास्ट मिनट बताएंगे तो टिकट नहीं मिलेगी या बहुत दूर रहते हैं, यानी आपके माइंड में बहुत क्लियर है कि वो आने ही चाहिए। उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी टीम में कंसल्टेंट्स आने ही चाहिए, वो माइंडसेट अगर आपका रहेगा तो आपका प्रिपरेशन और एक्शन भी वैसे ही रहेगा कि हम उनको पहले से बता दें ताकि वो दूसरा कहीं अपॉइंटमेंट फिक्स ना करें, या मेक श्योर करें कि ये इस बंदे से क्या सीख के जाएगा, वो आपके माइंड पे बहुत क्लियर रहेगा। और आपकी जब ओनरशिप रहेगी तो इवेंट टू इवेंट आपके भी टोटल नंबर ऑफ कंसल्टेंट जो बैठे हुए रहेंगे वो भी बढ़ते जाएंगे, ग्रोथ होती जाएगी, क्योंकि आपने देखा है कि हाँ मेरे टीम में जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ज्यादा उनको वैल्यू मिलेगी, ये इवेंट हो ही रही है मेरे लिए। ओके, सो हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। हमारे बिजनेस में हम कहते हैं कि 0 इन्वेस्टमेंट है, ये सच नहीं है। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं लोगों में। आपको भी चाहिए कि आपके डाउनलाइंस, आपके गेस्ट डेवलप, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे हम हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, वैसे हमारे टीम मेंबर्स को हम इवेंट में भेजते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किस चीज का है? आपका और उनका टाइम का, उनका स्किल डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, है कि नहीं? तो ये जो हम इन्वेस्ट करते हैं ना, वो हमको रिवॉर्ड्स देता ही देता है। कैसे रिवॉर्ड देता है? जितना ज्यादा हम इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड देगा। इसका मतलब कि जितने ज्यादा लोगों को आप इवेंट में बिठाओगे उतना बड़ा रिवॉर्ड ये बिजनेस आपको देगा। कैसे? जो लोग इवेंट में बैठेंगे उनमें से बहुत सारे लोग वही प्रोसेस को रिपीट करके बहुत सारे लोगों को डेवलप करेंगे इवेंट्स के जरिए। तो एटीट्यूड क्या होनी चाहिए कि आप इस महीने के टाइटल पे फोकस नहीं कर रहे, वो कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ वो करोगे तो हर महीने करीब करीब उतना ही बिजनेस होगा। क्यों? क्योंकि अपनी मेहनत से कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट का फायदा बाद में मिलता है, इवेंट में जाके तुरंत नहीं मिलता है। आपको चाहिए वो बड़ा फायदा, तो आपको इन्वेस्ट करना है। और मैं समझ सकता हूं कि हमने ये सब अभी नहीं किया है, तो हर नए चेक के लिए नया एटीट्यूड, नया स्किल, नया इन्वेस्टमेंट तो जरूरी होगा।
यहाँ पर हम बात करें कि आप अभी जहाँ पर भी हो सकता है कि आपका पिछले इवेंट में मान लो 25 लोग आए, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि अगली इवेंट में 50 लोग कैसे आए, टू रेज द बार। और ये कोई बड़ी बात या मुश्किल बात नहीं है, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे होता है। और अगर आप रेज द बार करोगे तो सोचो आपकी टीम में क्या होगा, आपके डाउनलाइंस क्या करेंगे, वो भी रेज द बार करेंगे, इसलिए एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन मतलब बिजनेस ऐसे बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा। और उसके एक्शंस क्या क्या है वो हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है उसकी हम बात करें। रेडी? Yes. अभी तक हमने जो देखा वो था कि क्यों बिग इवेंट्स, उसमें क्या होता है, आपकी एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, क्यों आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके एक्शंस क्या होने चाहिए इवेंट्स को लेकर। जैसे मैंने पहले बताया था, कोई अलग से स्पेशल फोकस करने की जरूरत नहीं, येट बहुत सारा है। उदाहरण के तौर पे जब भी आपके अप्लायंस की मीटिंग हो या कंसल्टेंट की मीटिंग या गैदरिंग हो, उस समय आप सबसे पहले आगे आकर या इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डिक्लेयर करो कि अगले इवेंट में मेरे इतने लोग हों। तो फर्स्ट एक्शन इज योर डिक्लेरेशन। मैं जानता हूं कि जब डिक्लेयर करते हैं तो डर लगता है, लेकिन डिक्लेयर करने के बगैर आप उस मोड में नहीं आ जाओगे जहां पर अच्छा बिल्ड करो। करके देखो एक बार, पिछली बार आपके 25 लोग थे, इस बार बोल के देखो कि मेरे 50 नहीं तो 100 होंगे। 25 का 100 बोल दिया, सबके सामने बोला, अब आपको उसको ऑनर करना है। अब आप सोचने लगोगे कि 100 कैसे करें। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो आप 25 या 30 लोगों से खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने डिक्लेयर किया है तो आपका माइंड खुलेगा, आप अपने अपलाइंस को पूछेंगे इसको कैसे करना है। बताओ आपका डिक्लेरेशन क्या है। पिछले टाइम मेरे इवेंट में 50 लोग बैठे तो अभी ये टाइम 100 बैठेंगे, ये मेरा डिक्लेरेशन। आपको लगता है कि 100 होगा, हो जाएगा? नहीं, अभी ये स्टेज पे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, टाइम कम है और लोग लेंगे कि नहीं इवेंट के लिए। इतना सीरियसली मैं जितना बोल रही हूँ, जितना कन्विक्शन बिलीव से बोल रही हूँ, कितने होंगे, कितने होंगे? 60-70 आपको नजर आता है और मैं आपको ये एक्शन बताऊंगा तो रेज हो जाएगा। Definitely. तो आप मेरे ख्याल से आप 125 भी कर सकते। Are you ready? Yes, sir. To declare? Yes. Can you declare it now? Yes. ये इवेंट में मैं 125 आराम से कर लूंगी अगर ये सारे एक्शन करूंगी। वेरी गुड, जो हम बताते हैं वैसा आप करते हो तो वो होगा। मैडम आप पिछले इवेंट में मेरे 20 लोग बैठे थे, अब मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि ये इवेंट में मेरे 80 लोग बैठेंगे। ओके, और क्या ये उस लेवल का डिक्लेरेशन है जो आपके लिए चैलेंजिंग है? बहुत ज्यादा यस, वही डिक्लेरेशन जरूरी है। जो चीज हो जाने वाली है उसको हम डिक्लेयर नहीं करते। तो यू हैव टेकन द फर्स्ट राइट एक्शन। सेकंड, हमेशा अगर आपका डिक्लेरेशन जैसे कि 80 है और आपका 100 है ना, तो आप अराउंड 20-25 टिकट्स अपने साथ कैरी जरूर करें, या ज्यादा मे बी 50 कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जितना किया था तो 50 कुछ भी नहीं है। तो आप अपने अपलाइन से 50 टिकट ले ले, पहले तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और इवेंट्स में ये डिक्लेयर जरूर करें, उसके बाद वो टिकट्स हमेशा कैरी करें और अपनी टीम को बोलो कि वो भी कैरी करें। और हर बार ऐसे इस तरह से आप जब भी इवेंट्स में होते हो, किसी भी इवेंट में होते हो, इवन वन ऑन वन कर रहे हो, उस समय भी इसका डिस्प्ले होना जरूरी है। जैसे हम प्रोडक्ट्स और कैटलॉग का डिस्प्ले करते हैं, इस तरह से टिकट का डिस्प्ले करना जरूरी, दिखाओ ये टिकट है और फिर बोलो, उसे क्या होता है, यकीन होता है। ऐसे नहीं कि हाँ वो है, मैं कल लेकर आएंगे, भूल गए। तो सिर्फ कैरी करना काफी नहीं है, हर बार शो करो, डिस्प्ले करो कि ये टिकट है, ये आपको करना है। करोगे? यस। और एक और हमने आपको पहले भी सिखाया है, व्हाट इज प्रॉमिस एंड डिमांड, यस, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। अगर उदाहरण देता हूं मैं, अगर आप इस इवेंट में आएंगे 5 लोगों के साथ, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके ये 5 लोग बहुत अच्छी तरह से बिजनेस करेंगे, या उनका डिसीजन स्ट्रांग हो जाए, या जो हम कह रहे हैं वो आप 3 एक इवेंट में शायद सोचना हो तो 3 इवेंट की बात है। अगर आप लगातार अपने लोगों को इस तरह से इवेंट में बिठाएंगे तो आपका बिजनेस बहुत स्टेबल और फास्ट ग्रोइंग होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं डिमांड करता हूं कि उसमें आप उनसे कहें कि अकेले नहीं आना है, अपने साथ कम से कम 5 लोगों को लेकर। और उसके एक्शंस के बारे में हम आपको अभी बताएंगे कि
कि वो कैसे करें, ठीक है, बट प्रॉमिस एंड डिमांड हो गया। शेयर स्टोरीज कि इस इवेंट में होने वाला क्या है, तो देखो ये जो लोग हैं हमारे जैसे लोग, एंड देन उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करिए कि इन्होंने एक साधारण सी शुरुआत की थी और काफी समय तक स्ट्रगल करते गए, लेकिन जब उन्होंने सीखा इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, उन्होंने बहुत तेज रफ्तार से बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज वो जाने माने पॉपुलर लीडर बन गए हमारे रीजन के। उनको सुनने से मुझे इंस्पिरेशन हुआ, तो आपको जरूर हुआ। हम जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को हम बिल्ड कैसे करें, और वो बताने वाले कि उन्होंने पिछले कुछ समय से उन्होंने बिजनेस को कैसे बिल्ड किया हुआ है। तो कुछ डायलॉग तो उनके इतने जबरदस्त है ना, मेरी जिंदगी में फर्क पड़ गया। एंड यू शेयर समथिंग कि वो कैसे हुआ, ओके। उसके बाद है प्रमोट 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 प्रमोट। हर मौके पे आपको प्रमोट करना है इवेंट्स, एवरी चांस फोन पे, हर वीक का रिव्यू करना, हर बार अपलाइन से शेयर करना कि मैंने बोला था 100 टिकट्स, एक वीक चला गया, कितने टिकट जाने चाहिए थे आपके, अपलाइन के साथ शेयर करो। फिर एक और वीक चला गया, कितना होना चाहिए था। सो यू शुड हैव अ प्लान, और वो प्लान को रिव्यू करो अपलाइन के साथ कि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि इवेंट बहुत करीब आ गई है और फिर बोलते मेरा कुछ हुआ नहीं, ऐसे नहीं होता। आप वीकली प्लानिंग करते हो, कंसिस्टेंटली बिल करते हो। जैसे वही एग्जांपल, जब मैरिज में क्या होता है कि हम वीकली प्लानिंग करते, चलो हमें 1000 लोगों को इनवाइट करना है, तो एवरी वीक कितने लोगों को इनवाइट करते, यू मेक श्योर कि आपका प्लानिंग लास्ट मिनट तक वेट ना करे और आप रेगुलरली इसको करते। उसके साथ आप काफी सारे ऑफर्स रख सकते हो कि जैसे किसी ने फास्ट स्टार्ट किया तो इतने पासेस हम उनको जरूर दे दें, या किसी ने कुछ अच्छा किया, लेवल जंप किया, तो उनको रिवॉर्ड दे दो, या आपके कस्टमर्स को आप ये कह सकते हो कि आपने इतना सारा प्रोडक्ट परचेज किया तो चलो हम आपको ये रिवॉर्ड देते, ये गिफ्ट देते, अवसर मिलता नहीं, और कमिटमेंट ले लो कि आप उसको अटेंड करें। चलिए देखते हैं मास्टर प्लान, प्लानिंग कैसे करते। और एक बात है, आपके टीम में बहुत सारे लोगों, टीम में जो कंसल्टेंट्स हैं नए रहेंगे, वो भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रेगुलरली उनके साथ टच में रहना है, उनको पता नहीं है कि कैसे बिल्ड करना इवेंट को, तो ये जो सारे स्टेप्स आप ट्रेंड हैं, तो आपको उनके साथ बात करके वो जहाँ अटके हुए हैं उसका आंसर उनको देना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है कि वो लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, टीम में बता देते हैं कि ऐसे ऐसे बताओ, और फिर वो उतना एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर पाते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि उनकी टिकट सेल हो सकती है। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि उनकी होम मीटिंग्स में जाके इवेंट कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वो एक्शन अगर आप उनके साथ मिलके करेंगे, 2 या 3 इवेंट्स उनकी जो होम मीटिंग हो रही है वो ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, लेकिन प्रमोटिंग द इवेंट्स वाला पार्ट आप ले लें और लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं फील्ड में, तब हमेशा के लिए वो स्किल डेवलप कर लेंगे। wow. और ये डुप्लीकेट होते जाएगा, और एक्चुअली आपके टीम में बहुत सारे लोगों का अटेंडेंस बढ़ते जाएगा और आप वो एक्शन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। yes. उनको भी सिखा सकेंगे कि वो अपने टीम में नीचे लोगों को जाके वो कैसे इवेंट प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये खाली बात करके होने वाला काम नहीं है, लोगों को लाइव दिखाना पड़ता है कि इस इवेंट से उनका क्या बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि लोग दूर तक नहीं जाते, अगर अच्छी मूवी है, ड्रामा है, बहुत सारी चीजें, कोई हॉस्पिटलाइज है, बहुत सारी बातों के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, वो डिसीशन वो कब करेंगे जब उनको इस इवेंट से क्या वैल्यू मिलती है, वो तो वो वैल्यू कैसे देना, इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में अगर वो इस इवेंट को अटेंड करेंगे, ये सब बताना जरूरी हो जाता है। तो फील्ड में इसको बोलते हैं प्रमोट, कि नीचे नीचे तक जाके हम उनको लाइव 5 मिनट्स 10 मिनट्स लगता है प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो 10 मिनट्स से हमको 10 times या 100 times हमको उसका रिटर्न और वैल्यू मिलती है। एक बार सिखाएंगे, 2 बार सिखाएंगे, या मैक्सिमम 3 बार अपनी टीम में प्रमोट कैसे करना वो सिखाएंगे, लेकिन वो बंदा फिर वो स्किल डेवलप कर लेगा। उसमें 2 काम होते हैं, उसकी लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप हो जाती है और ये कॉपीएबल हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम प्लानिंग करते, 20 से लेके 100 जाना है, आपके कितने इवेंट बिल्डर्स या बिजनेस बिल्डर्स है आपकी टीम में? 25-30 है, जो उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो इवेंट को बिल्ड करते हैं? 10 से 12। 10, चलो हम 10 लेके चलते। अब आपका टारगेट है कि 10 लोग 10-10 टिकट ले तो आपका 100 होगा, राइट?
मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 लोग जो इवेंट बिल्ड करते हैं वो 30 टिकट्स कर सकते हैं ईच, तो आपका 300 पूरा होता है। और मजे की बात ये है कि आपका बिजनेस कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। जानना चाहते हो कैसे? इसको कहते हैं प्लानिंग। मैं बताता हूँ कैसे। आप मान लो शाला का आपकी डाउनलाइन, तो आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ काउंसलिंग कीजिए और उनसे कहिए यही स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से उनके 30 लोग बैठेंगे इवेंट। तो शाला का आप मान लो वो हो जिनके एक आध दो लोग बैठते इवेंट, 3-4 लोग बैठते ऐसा, और आपको अभी 30 लोग का टारगेट, क्या आपको पसंद आएगा कि 30 लोग बैठेंगे आपके इवेंट में? हाँ, तो इसको कैसे करवाना है? तो पहले तो उनसे कहिए कि जब 30 का टारगेट दिया है तो कम से कम 10 पासेस तो आपके पास होने ही होने चाहिए। लोगे? करोगे? मैं आपको गेम बताता हूँ कि उसको कैसे करना। आपके कुछ टीम के मेंबर्स ऑलरेडी हैं, भले थोड़े हैं, फर्स्ट वीक में आप 2 या 3 मीटिंग्स क्रिएट करके नए गेस्ट को या कंसल्टेंट को आप ये पासेस दे दें। और किसी को भी ये मत कहो कि ओनली वन, नॉट अलाउड, कम से कम 2 या 3, या हो सकता है कि 5। और फिर वो कहेंगे नहीं लेकिन हम 5 लेके क्या करेंगे, तो उनको ये विजन दीजिए कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक आपके यहाँ एक प्रेजेंटेशन रखेंगे, आप वहाँ पर 10 से 25 लोगों को इनवाइट करें, तो वहाँ पर 10 टिकट तो बड़ी आसानी से होगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 5 टिकट दे, यानी आप अपने कंसल्टेंट को ये कह रहे हैं कि 5 से 10 पासेस आप अपने पास रखिए और इस वीक में आप 2 या 3 प्रेजेंटेशंस रखें, बिजनेस प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, और वहां पर हम इवेंट को प्रमोट करेंगे। तो एक वीक में कोई भी कंसल्टेंट कितने लोगों को जमा कर सकता है 2 मीटिंग्स में या 3 मीटिंग्स में? समझो 20, एक रफ नंबर ले लेते हैं। तो 20 लोग बैठे हैं तो कितने पासेस जा सकते हैं, कितने टिकट जा सकते हैं? 5 चलेगा, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट वीक में 5 हुए, एक्चुअली ज्यादा भी हो जिस तरीके से हम बात करते हैं, ये हमने अनुभव नहीं किया इसलिए आप ऐसा बोल, लेकिन हम 5 लेके चलते हैं फर्स्ट वीक में। 5 जो लोगों ने पासेस लिए हैं आपसे, उन्हीं लोगों से नेक्स्ट वीक वापस मीटिंग क्रिएट करवाएंगे, तो कितने पासेस आपके प्रमोट होंगे? 15। तो 2 वीक हुए हैं और आपके 20 हो गए। वही प्रोसेस रिपीट करें, एक्शंस ले रहे हैं, जिन्होंने पासेस लिए वो एंकरेज हैं कि उनको मीटिंग, एक बार कोई 5 पासेस खुद अपने पास रखेगा तो वो मीटिंग क्रिएट करेगा और नेक्स्ट वीक में उनके 5 पासेस चले जाते हैं, तो उसके नेक्स्ट वीक में कितने होंगे? 25 हो गए। और एक वीक चला गया फास्ट फॉरवर्ड, कितने हो गए? समझो 40 हो गए। ये एक बंदे ने किया है और आप कह रहे हो कि 10 लोग हैं जो एक्टिव हैं, 10 लोगों के पास आप इवेंट्स करवाते हो तो 400 पासेस जाते हैं आपके नेक्स्ट इवेंट। यू हैव गॉट 1 मंथ टू डू दिस 400। पर मजे की बात यह है कि ये 10 लोग आपको 8 मीटिंग्स देंगे, हर एक 80 मीटिंग्स हो जाएगी आपके बिजनेस में। और आपको जरूरत पड़ेगी कि अपलाइन को बुलाएं मीटिंग्स लेने के लिए, क्योंकि एक्टिविटी इतनी हो गई है। तो यही मैं कहना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि इवेंट बिल्डअप अलग करना है और बिजनेस को अलग बिल्ड करना है, क्योंकि आपने लोगों को ये पासेस उनके हाथ में थमाए हैं इसलिए वो आपको मीटिंग देंगे। या ऐसा बोलो कि अगर आप अपने पास ये 5 पासेस रखते हो तो हम आपके नेक्स्ट वीक में आपके यहाँ मीटिंग करते। अब बताओ आपने 100 बोला था, क्या होगा नेक्स्ट इवेंट? एक्सप्लोजन होगा। और ये वीकली प्लान, इतने डिसिप्लिन से हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, इसमें बिजनेस भी बिल्ड हो रहा है, इवेंट्स भी बिल्ड हो रहे हैं और टीम को जो स्किल डेवलप करना है वो हम बोल बोल के थक जाते हैं कि ये करो ऐसे करो वैसे करो, लेकिन यहाँ पे लाइव फीड में ऑन द स्पॉट एक्शन होता है, तो ये हाई एक्शन के मोड में आ जाते हैं। और उसमें बोलते ना बिजनेस का जो कोर एक्टिविटी है, इवेंट्स करना, इवेंट बिल्ड करना, लीडरशिप डेवलप करना, स्किल्स डेवलप करना, ये सारा इस एक्शन की वजह से वीकली प्लान आपने किया है और आप बिल्ड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, लेकिन सबका बिजनेस बढ़ रहा है। Can you see this? तो मोदी के मेरे सांसों में हम मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं और मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी केयर का नाम हो। और वो करने के लिए जरूरी है
कि हम एक बहुत बड़ा धमाका करें, दुनिया को दिखाएं कि हम कौन हैं। और इसीलिए बहुत जल्द हमारी गेम है कि हम इस मोदी केयर के प्रोग्राम को शनुखानंद में लेके जाएं। Yes. Are you excited? Yes. अब बताइए शनुखानंद में आपके कितने लोग होंगे? 500 प्लस। देखो फुल हो गया शनुखानंद। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।